समवेयर अराउंड 50% आपको टोयोटा के ओरिजिनल माल पे मिल जाएगा डिस्काउंट। एंड आप लाइट देखोगे तो लो बीम पे देखो दोनों साइड ना इक्वल लाइन आ रही है, आपको तो एलईडी भी ऊपर नीचे नहीं लगी। अब एक बार मुझे लग रहा है तुमने बैक सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। कुशनिंग के साथ लगाना भैया, अगर कंपनी वाला ये थाई सपोर्ट आता ही नहीं है, ये कुशनिंग आता ही नहीं है, इतनी सॉफ्ट होता नहीं है सीट कवर। एलईडी लगा है, पिछले बार आपने देखे थे वीडियो में एलईडी नहीं थे, एलईडी नहीं था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार। आज आप लोगों के लिए लेके आऊं मैं टोयोटा की हाई राइडर, और हाई राइडर हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, ऐसी गाड़ियां हैं जो ना बेस वेरिएंट आपको बहुत सारे फीचर देती हैं। पर ये हमारे संजीत भाई हैं, मान लीजिए भाई बेस वेरिएंट में भी धड़ाधड़ काम करे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो आज? फिर पूरा बेस टू टॉप कर रहे हैं, ठीक है जी, छोड़ के बाकी सारा कुछ इसके अंदर काम हुआ है। अलॉय छोड़ के ऐसा कुछ नहीं है जो आपने छोड़ा हो। बिल्कुल ठीक है, तो फिर एक बार फ्रंट से स्टार्टिंग करें, आपने क्या कुछ करा है? चलो फिर दिखा दो। एलईडी लगा है, पिछले बार आपने देखे थे वीडियो में एलईडी नहीं थे, एलईडी नहीं था। हाँ, इसका दम 240 वाट की एलईडी लगाया है, जिसकी 2 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट है। कौन सी कंपनी का एलईडी के बारे में रहने वाली है? ठीक है, थोड़ा बताओ। 300 वाट लोगे तो वो भी 3 साल की वारंटी आपकी। 200 वाट 2 साल, 300 वाट 3 साल। बिल्कुल डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, कोई ठीक ठाक नहीं है। 2 मिनट में भी आपको चेंज मिलेगा, 2 मिनट में चेंज मिलेगा। वैसे तो देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी लाइट जल रही है, पर फिर भी आपको ना एलईडी का थ्रो दिखा दूंगा। और देखो एक चीज और देखो आप सामने, आपको ना एक बार लो बीम करो, लो बीम पे ऑन करो, ऑन करो एक बार। अगर आप लाइट देखोगे तो लो बीम पे देखो दोनों साइड ना इक्वल लाइन आ रही है, आपको तो एलईडी भी ऊपर नीचे नहीं लगी। आप एक बार पासिंग मार दो। बट अगर यहाँ की बात करूं इतनी लाइटिंग के अंदर भी, तो लाइट जो है भाई बढ़िया नजर आने वाली है। तो 2 साल की वारंटी, 200 वाट की एलईडी मात्र, सॉरी 240 की, कितने की? 7,500 रुपए की ओनली। बिल्कुल स्टार्टिंग रेट कितने से है? 2500 रुपए से, 2500 से लेकर 10,000 तक मेरे पास एलईडी 10,000 तक की है। और ठीक ठाक जो मतलब हो, जिसमें अच्छी लाइट हो, हाई वेलोसिटी दोनों का काम हो जाए, हर रेंज की क्वालिटी है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना कहीं पे देखो फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं है, फॉग लाइट भी लगा सकते हैं, वो आप कटिंग, वो आप कटिंग करके लगाओगे तो प्रॉपर लगा के दोगे। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर देखो फॉग लैंप कंपनी से नहीं आता है, तो इसमें ना एलईडी ही तगड़ी होनी चाहिए जिससे कि काम चल जाए। बाकी फॉग लैंप के लिए भाई ने बता दिया, तो ये क्या आफ्टर मार्केट होगा? आफ्टर मार्केट होगा, लेकिन ब्रांडेड ही होगा, मैक्सिल का होगा, जिम्मर का होगा, वारंटी में मिलेगा, सारे ब्रांड का होगा, वारंटी भी दोगे। ठीक है जी, सिक्सटी लगाया जो अपना रहने वाला है, बैक कैमरा जो अपना रहना है, ठीक है जी, साथ मिलेगा जो अपना ब्लॉक पंख का है, ये ब्लॉकपंग का कैमरा लगाया, जो भी चाइनीज कुछ नहीं, ब्लॉकपंग या हाइपरसोनिक दोनों आपको वैरायटी यही लगेगी, अच्छी क्वालिटी का सामान लगाओगे, है ना? ठीक है, तो इसके अंदर चार कंपनी से वैसा आता है की वाला जो अलग से, हाँ वो आपने क्रेटर टाइप लगा दिया। ये कितने का लगाया? 1,000 रुपए का आता है। 1,000 का आता है, गारंटी होती है कुछ इसकी? ओरिजिनल होगा तो 3,500 रुपए, एक साल की वारंटी। ओरिजिनल क्या था मतलब, समझा नहीं मैं, क्रेटा का जो ओरिजिनल आता है, जो ह्युंडई का आता है, ये आफ्टर मार्केट है। अच्छा, आफ्टर मार्केट 1,000 रुपए का है, और ह्युंडई का जो कंपनी वाला आता है 3,500 रुपए का है। गारंटी किसकी है? एक साल इसकी भी है, एक साल उसकी वारंटी भी है। अच्छा, उसकी नहीं आती, वो कंपनी का है, तो आफ्टर मार्केट की वारंटी मिल जाएगी। ठीक है जी, और ये साइड मिरर में 360 लगाया प्रॉपर। अच्छा, मुझे लगा कैमरा निकल रहा है, पर वो निकल ले रहा है, कैलिब्रेशन करके अंदर, हाँ वो उसकी एडजस्टमेंट सेट कर दी है। ठीक है जी, मिल जाएगा अपने पास, डिस्काउंट होगा काफी अच्छा रेट में आपको। ये तो सिर्फ डिजाइन के लिए है ना? ये डिजाइन के लिए, साइड में एडवेंचर सब में आता है, ये लुक के लिए रहता है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भाई बेस मॉडल में ही ना कंपनी ने इतनी सारी चीजें दे रखी हैं कि कीलेस एंट्री कौन देती है कंपनी बेस मॉडल में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल ओवर व्हील्स भी मिल जाते हैं, इसमें सब आता है। क्रूज तो चालू, सनग्लास लगा के बोल नहीं सकता, बेस मॉडल क्रूज तो चालू कर दिया तुमने? बिल्कुल कर दिया प्रॉपर। ठीक है जी, और ये लोअर विंडो गार्निश ये भी लगाया हमने। ठीक है, इसके अंदर अगर पेस्ट चेंज करने वाला लगाओगे तो 4 पीस ही आएगा। ठीक है, पेंटिंग करने वाला लगाओगे तो प्रॉपर कंप्लीट आएगा। तो ये आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में, क्वालिटी अच्छी है, नहीं कटेगा आपको। देखो हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, हाथ नहीं कट रहा है, और इसकी कुछ होता है हाथ कट जाता है, तो और क्रोम चल जाएगा ना ठीक ठाक, ये आराम से, इस पे जंग नहीं लगा, जैसे पानी आप इस पर हाँ, हाँ, नहीं है। ठीक है, कपड़ा मारो, साफ करना इसको। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये ऊपर वाली आइटम, ये लगाने गाड़ी हिल जाएगी, लेकिन रूफ रेल कहीं नहीं जाएगी। ओके, ये भी आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन गैलियो क्वालिटी, गैलियो की है ना? ठीक है जी, जिसके अंदर आफ्टर मार्केट है, लेकिन ब्रांडेड चीज यूज हुआ है, कोई लोकल प्रोडक्ट यूज हुआ है। ठीक है, ये भी डोरवाइजर, ये भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% एमआरपी पे, 50% एमआरपी पे। तो ये ओरिजिनल टोयोटा का है, ये क्या क्या इसमें ओरिजिनल है? ये आइटम ओरिजिनल है, साइड बीडिंग ओरिजिनल है, साइड बीडिंग भी ओरिजिनल है, और अपने पास ये और ये भी ओरिजिनल है, अवेलेबल ओरिजिनल मिल जाएगा उस पर, जो उस पर 10% होगा रूफ रेंट पे। ठीक है, आके डब्बे आता है। ठीक है, इस पे भी काफी डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट है, अलग अलग चीज पे अलग अलग हिसाब से डिस्काउंट है, वो आप लोग आगे पूछ लेना। अब चलते हैं भाई रियर में, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा क्रोम आइटम पे, इन दोनों पे। बिल्कुल 50%, तो ऑलमोस्ट क्रोम आइटम जितने सब पे 50% ही बता रहे हो आप, समवेयर अराउंड 50% आपको टोयोटा के ओरिजिनल माल पे मिल जाएगा डिस्काउंट। एंड में जो गाड़ी वाले भैया उनसे पूछेंगे आपने कहा है या दिया भी है, तो रियर के अंदर आपने ये क्रोम के 2 चीजें लगाई हैं, ये वाली
और इसी क्रम होता है, इसको ट्रेंड क्रम होता है, कभी सामान उमान होता है इस पे स्क्रैच नहीं लगेगा, ठीक है, जो रहेगा आपका क्रोम पे ही रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा पीछे क्या कुछ एक्सेसरीज है जो और लग सकती है? रिफ्लेक्टर लाइट जो मैट्रिक्स में काफी डिजाइन आता है, तीन चार अपना रहने वाला है, काफी अच्छा लुक आता है, सेफ्टी गार्ड लगा सकते हो आप पीछे, वो लगता है पूरा मेटल का, ये अपना डिक्की क्रोम लगवा सकते हो, ठीक है, रियर वाइपर लगवा सकते हो, वॉशर भी आएगा ना, वॉशर भी आएगा, डीकल जो ऑटो कट चालू करके देंगे, ये मिरर चेंज होता होगा उसके लिए, हाँ ये चेंज होता है, और जब मिरर चेंज करोगे और जो ये रहता है अपना ये डिफॉगर, ये भी चालू करोगे, ये भी चालू करके दोगे, तो लो भाई अगर ये कराओगे तो ये भी चालू होगा, मिलने वाला है। और पीछे स्पॉइलर भी लग सकता है, स्पॉइलर लग के आ रहा है कंपनी से, नहीं थोड़ा जो बड़े वाला जो होता है स्पोर्ट वाला लग जाएगा, वो लग जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, ये तो कंपनी से ही लग के आता है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी इसमें लग के आता है, शार्क वगैरह सब कुछ, ठीक है। अंदर दिखा दो आपने अंदर क्या कुछ करा है, ब्लैक ब्यूटी लाइन सेल्टोस वाली जो अपना कलर रहने वाला है, अरे तो देख के ऐसा लग रहा है संजीत भाई कुछ करा ही नहीं है, भाई बेस से टॉप करे, यही तो आता है टॉप मॉडल में, ब्राउन कलर आता है इसका, हाँ इसमें ब्राउन आता है, पूरा आता है, फुल ब्लैक भी आता है, लेकिन सिल्वर धागा आता है, हमने रेड कुछ अलग करके दिखाया, पूरा एक जैसा लग रहा है देखने में, तो देखो ऊपर तो नॉर्मल जो स्टॉक होता है वैसी है, ये इसके अंदर सॉफ्ट टच कर दिया, पूरा कपड़ा चढ़ा दिया, लेदर रैप हो गया, ये स्टिचिंग आ गई डबल यहाँ पे, नीचे की तरफ ये कुशनिंग आ गई, ठीक है जी। और यहाँ से पूरी आपको देखो थ्रेड डबल जाती हुई देखने के लिए मिलेगी पीछे तक, तर ये तो हमने हाइड्रो डिपिंग कर दिया, ये तो बढ़िया क्वालिटी का काम कर, अच्छा इसमें हाइड्रो डिपिंग भी है, अब यार वही तो मैं कह रहा हूँ, देख के पता ही नहीं चल रहा क्या तुमने करा है क्या कंपनी से होके आया है, सारा काम एक जैसा लग रहा है देखने में, जो की जेन्युइन बात है, ये देखो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब उसके अलावा अगर बात करी जाए नेक्स्ट चीज, स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी देखो हमारी, स्टीयरिंग रैप जो आप भाई वो डिफरेंट वाला करते हो, जिगजैग वाला है, बिल्कुल नॉर्मल तो करते ही नहीं है, इसको बंद करें लाइट को, ये इसको भी एसी को भी कम करते हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ये टू टू क्यों कर रही है, ये स्टार्ट करो, कर दो स्टार्ट, अब दबाओ, ठीक है जी, गाड़ी की टू टू बंद कर दिया। अब सबसे पहले अगर स्टीयरिंग व्हील दोगे तो भाई स्टीयरिंग व्हील को इन्होंने बढ़िया वाला रैप कर दिया कंप्लीट, कितने करते वाला रैप, अच्छे वाला, ये 1500 रुपए वाला, 1500 रुपए का, 1000 वाला भी आता है, 2000 वाला भी आता है, जो अपना एक कस्टमाइज लेता है वो 10000 रुपए का आ जाना है, 10000 रुपए का स्टीयरिंग, वो भी मिल, अच्छा स्टीयरिंग ही पूरा चेंज कर दोगे, जैसा वो लोग काफी लोग फॉर्चूनर में करवाते हैं वो स्पोर्टी वाला जो रहता है वैसे वाला हो जाएगा, पर इसके अंदर भी तो अभी स्टीयरिंग चेंज होने का ऑप्शन है ना, जिसमें यहाँ बटन और क्रूज वगैरह आ जाएगा, क्रूज चला रहे हो ना, बिल्कुल बेस मॉडल में चला के दिखाएंगे आपको, चला के देंगे रील, चलो जी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना, मैंने अभी तक अपनी नंगी आंखों से तो चलता हुआ देखा नहीं है, जब देखूंगा तब आपको दिखा दूंगा जिस गाड़ी में जिस दिन ऑन करेंगे ये, बाकी इन्होंने कर दिया है वर्किंग, बिल्कुल बिल्कुल, अब बिना तार वार कटे है ना, बिल्कुल कपलर टू कपलर पूरा सामने होगा, पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं जिस दिन क्रूज चालू करेंगे कैसे करते हैं क्या कुछ कनेक्शन रहता है वो सारी चीजें। उसके अलावा डैशबोर्ड का है, ये भी लेदर रैप अपना किया, ये पूरा लेदर रैप हो गया भाई, देखो ये डैशबोर्ड चेकआउट करो आपको ये कंप्लीट मिलेगा, ये पूरा एसी वेंट भी हमने पियानो चेंज किया हमारे, एसी वेंट जो आता है, अच्छा ठीक है जी, बता रहा है टोटा हेरेटर सेम ही आता पार्ट, एक ही है दोनों, एक ही माँ की तो दोनों बेटी है, और उसके अलावा सेंटर कंसोल भी है, एसी भी चेंज किया, ठीक है जी, ये पूरा आपका सेंटर का एसी हो गया, पूरा कंप्लीट चेकआउट करो, और उसके अलावा पूरा इसके साथ फ्रेम कनेक्टेड रहता है ना, प्रॉपर कनेक्टेड है, इसके अंदर 10 इंच आपको मार्केट में 9 इंच मिलेगा, लेकिन जितनी भी गाड़ी की है ठीक है 10 इंच स्क्रीन लगा के दिए, ये पीसोनिक हाइपरसोनिक अलग अलग एक ही ब्रांड है, एक ही ब्रांड है जी, तो हाइपरसोनिक की यूनिट है, हाइपरसोनिक की, ठीक है जी हाइपरसोनिक है, और उसके अलावा आपका ना ये भी लगा है इसके अंदर, तो ये तो छोटी छोटी चारों एक्सेसरीज लगा दी, ट्विटर जाली भी लगा दी है टॉप मॉडल का, ट्विटर की जाली भी लगा, हमने कोई कटिंग करके नहीं दिखाया, ठीक है पूरा पीसी रिप्लेस कर दिया है, बिल्कुल पीसी रिप्लेस कर दिया है, और उसके अलावा आपने ये भी कम्प्लीट करा है, बिल्कुल ठीक है ये हो गया, ये तो ऐसी आता है इसमें तो कुछ नहीं हुआ, ये पार्ट पूरा देखो अच्छे से भाई कॉर्नर चेकआउट करो प्रॉपर बढ़िया तरीके से लगा दिया है, अब एक बार सीट कवर और दिखा दो, सीट कवर दिखाओ क्वालिटी, क्वालिटी आप यहीं से दिखाओ, एयरबैग वाले होते हैं ना ये, नहीं नहीं बेस से ऊपर आता है जिसमें एयरबैग होता है, ये एयरबैग इंक्लूड नहीं आता है, बेस वाले में एयरबैग नहीं होता, ठीक है तो आपने क्या करा, क्वालिटी देखो, ये देखो भाई सीट कवर्स की क्वालिटी, तुम इधर आओ ये क्वालिटी चेक करो भाई, ऊपर की तरफ से ऐसी कुछ रहने वाली है इनका, मुझे लग रहा है तुमने बैक सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, कुशनिंग के साथ लगा है ना भैया, अगर कंपनी वाला ये थाई सपोर्ट आता ही नहीं है, ये कुशनिंग आता ही नहीं है, इतनी सॉफ्ट होता नहीं है सीट कवर, किसी भाई का कोल्डिंग या पानी सीट में गया जाता है वो गलने का डर होता है, इस पे आपको कहीं नहीं गलेगा नहीं कुछ होगा, इसकी 5 साल की वारंटी आती है, 5 साल की, बिल्कुल 5 साल में अगर से कुछ होगा तो आप बैठे चेंज करके देंगे प्रॉपर, मतलब 5 साल तक इसकी पूरी गारंटी वारंटी मिलेगी, और ये देखो एक बार ये जैसे संजीत भाई बैठ गए हैं, एक बार पीछे कमर लगा के बैठो, अब देखो जैसे कमर लगा के बैठे खैर तो थोड़े पतले हैं, यहाँ पे थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल जाएगा, अगर कोई थोड़ा हेल्दी बंदा बैठेगा तो, है ना, तो वो चीज एनहांस हो गई है। कितने के लगा रहे हो ऐसे वाले सीट कवर? ये सीट कवर तो 6000 से लेकर 10000 तक की क्वालिटी है, तो जैसे इस गाड़ी के अंदर सीट कवर हो गए, सॉफ्ट टच हो गया, आर्मरेस्ट भी करा है, बिल्कुल
आर्मरेस्ट नहीं करा शायद से? नहीं नहीं, कंपनी से ही लेदर आता है। अच्छा नहीं, इसके ऊपर ये सेम कलर का नहीं करा आपने? नहीं नहीं, इसमें जरूरत नहीं, थोड़ा फिटिंग नहीं बैठता। अच्छा, हम करने को कर देते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ऐसी फिटिंग नहीं बैठता। अच्छा, तो जब ऑलरेडी लेदर लगा हुआ जिस पर प्लास्टिक आता है उस पर कर सकते हैं, जैसे सल्टोस काम करते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल वैसे वैसे कर देंगे। तो इसका इसलिए इसका नहीं करा है। बाकी अगर देखा जाए तो ये पूरा आपने अंदर से कम्प्लीटली चेकआउट करोगे तो हो गया। वाटरप्रूफ वाला है, बिल्कुल बिल्कुल वाटरप्रूफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे किसी को इंटीरियर में सीट कवर चाहिए, साइड का सॉफ्ट टच वगैरह चाहिए, कितना बजट रहेगा उसके लिए? 18,000 से लेकर 25,000 तक अपनी क्वालिटी है। अच्छा, इस गाड़ी में क्वालिटी इंटीरियर हमने किया वो 22,000 वाला है। 22,000 वाला करा है। स्टीयरिंग अलग होगा उसमें, इंक्लूड है स्टीयरिंग अलग है? क्योंकि आपको नॉर्मल सिलाई भी मिल जाएगा, झिकझक भी मिल जाएगा, जैसी चाहिए वैसा चलिए, जैसा आपका मन करे वैसा लगवा सकते हो। और स्टीयरिंग कितने का लगा रहे हो? स्टीयरिंग आपको अच्छा ऑफर दे दूं? दे दो आज। अच्छा ऑफर, 18 का स्टीयरिंग लगाओगे तो मात्र 2,500 रुपए। और इसका इसका टोयोटा का? सर टोयोटा का जो अपना ये वाला आता है, अगर डी कट वाला लगाओगे 1,500 रुपए का। डी कट वाला सस्ता है जी? क्यों, ऐसा क्यों? सस्ता है, हेरेटर का महंगा आता है। हेरेटर का महंगा आता है, ग्रैंड विटारा हेरेटर सेम होता है ना? हाँ, उसको आपको 2,500 रुपए में लगा के, और वो आपको ग्रैंड विटारा वाला इसमें लगाओगे फ्लैट बॉटम, वो भी क्रूज कंट्रोल चालू करके। और उसमें सुजुकी का लोगो होगा? यही होगा, ये टोयोटा एयरबैग तो आपका ही लगेगा, एयरबैग यही वाला लगेगा ना? बस स्टीयरिंग व्हील ग्रैंड विटारा का होगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक ही चीज तो है, एक ही प्लांट में तो बन रही है दोनों। ठीक है जी, और उसके अलावा एक बार स्क्रीन, मैं उधर से आता हूँ फिर स्क्रीन देखते हैं एक बार। 360 लगाया ना आपने? 360 चेकआउट करवाता हूँ भाई मैं आप लोगों को, इन्होंने कैसा लगाया कैसा नहीं लगाया। ये रहा इसका आपका कैमरा जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मैंने खोला गेट। गेट इसके मुझे थोड़े हैवी लग रहे हैं संचित भाई, ऐसे नहीं होते है डीडी ब्रांड की। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होते इसके अंदर गेट। ये मैंने कहा अभी खोलते ही ना मेरे को हैवीनेस फील हुई। बिल्कुल बिल्कुल, डीडी का डैम्पिंग होता है। डबल साइड? डबल साइड। कितने की शीट स्टार्ट हो जाती है आपके पास डैम्पिंग में? डैम्पिंग आपको 600 रुपए से स्टार्टिंग होती है, 12, 13, 1400 तक की क्वालिटी अपने पास अवेलेबल। ठीक है जी, तो अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? डीडी हमारे पास जो भी होगा ब्रांडेड ही होगा, डीडी हो गया, यूनिफायर हो गया। ठीक है, और जैसे एक गोल्डन सीरीज जो होती है वो कौन सी होती है? मैट हो गया, सारी ब्रांड मिल जाएगी, सारी ब्रांड मिल जाएगी। एक बार देखो गेट का साउंड चेक करो आप लोग एक बारी इससे, वैसे देखो इतना पता तो नहीं चलेगा पर भाई गेट में ना ये देखो हैवीनेस, तो गेट तो भाई हैवी हो गए हैं। तो चारों डोर में ही करी है, बूट में भी करी है? चारों दरवाजा हो गया, चारों दरवाजों में करी है, बूट में भी हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर करानी हो तो हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब भैया ये जो हाई राइडर है ये तो मुझे लग रहा है कंपनी से लगवाई है, कंपनी से लगवाया, पर अपने पास भी है, मिल जाएगा? बिल्कुल, सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बेस्ट टू टॉप हाई राइडर का नाम, सिर्फ आपको आना है न्यू स्पेस रामा रोड कीर्ति नगर, कहीं नहीं घूमना आपको। दोबारा सुना दो क्या बोला है आपको, हाई राइडर अगर ऐसी काम बेस्ट टू टॉप करवाना है तो सीधा आना न्यू स्पेस रामा रोड कीर्ति नगर। ठीक है जी, स्टीयरिंग और क्रूज जो भी भाई बेस्ट टू टॉप कराएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल हाई राइडर का प्रॉपर ओरिजिनल और क्रूज कंट्रोल, ठीक है जी, फ्री रहने वाला, बिल्कुल फ्री, बेस्ट टू टॉप विद अलॉय व्हील सब कुछ कराएंगे उनके लिए फ्री रहने वाला, कोई अलग से चार्ज नहीं। और जो अगर थोड़ा बहुत काम कराएंगे तो उनके लिए 2,500 रुपए का स्टीयरिंग रहेगा, ठीक है, क्रूज कंट्रोल फ्री करके देंगे, फ्री करके देंगे, बिल्कुल। चलो लो भाई, ये भाई ने स्कीम निकाल दी हमारे भाई ने, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो लोग ग्रैंड विटारा लेके या फिर अपनी ये टोयोटा की हाई क्रॉस लेके, हाई राइडर लेके, बिल्कुल जो भी आने वाले उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो 360 दिखा दो सबसे पहले, क्या कराया आपने? 360 के अंदर हमने प्रॉपर लगा के दिए जो अपना रहने वाला है। ओ वाओ, देखो भाई सारे गेट बंद है, ये लेफ्ट राइट आगे पीछे, ठीक है। ये उस दिन मैंने अंधेरे उस वाली गाड़ी में भी लगा हुआ था ना, जितना उस दिन वीडियो बना रहे थे, ये देखो स्टीयरिंग व्हील काटना, एक बार स्टीयरिंग काटना वही वाला एंगल करो, हाँ स्टीयरिंग काटेंगे। ये देखो भाई जैसे राइट को स्टीयरिंग काटा, जैसे यहाँ पे देखो स्टीयरिंग हिल रहा है, वैसे यहाँ पे सेम टू सेम आपको साथ के साथ वो भी दिखने वाला है। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो क्वालिटी आपको अच्छी नजर आएगी, ऐसा दिक्कत नहीं है। और अच्छा ये पूरा ऊपर वाला व्यू भी हो गया, सारा मोड है, ओवरहेड व्यू भी आपको दिखने वाला है इसके अंदर, और इस पे गाड़ी अपने आप घूमती वाला होगा ये 360। ठीक है जी, एक बार भी सडान है ये, एक भी कर देंगे अभी, हाँ इसको एसयूवी बना देंगे अभी, ये सडान बनी हुई है। इंडिकेटर तो मारो लेफ्ट या राइट का, ये लो आगे, जैसे लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, ये देखो पीछे का जैसे गाड़ी में इंडिकेटर जैसे है। आपको इसमें सेट भी कर सकते हैं, जैसे इधर का मोड हो गया तो हमें तीन मोड भी कर सकते हैं। अच्छा तीन एंगल है एक ही साइड के, बिल्कुल एक ही साइड के आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये कितने का लगा रहे हो 360 वाला? अलग अलग भैया, अगर स्टार्टिंग प्राइस करते हैं 6,000 से हो जाता है, लेकिन ब्रांडेड में जाओगे 10 से 12,000 में ही अच्छी क्वालिटी आएगी 360 में ना, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये अगर जैसे एक बात बताओ, जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हो अगर हमें कैमरा ऑन करना है, हो सकता है कि पीछे का? हो सकता है, कैमरा ऑन कर लो अगर लेफ्ट का लेफ्ट इंडिकेटर
दे दोगे तब भी चल जाएगा राइट। और एक चीज और बताओ, जैसे गाड़ी के अंदर हम डैश कैम लगाते हैं, डैश कैम वीडियो रिकॉर्ड का काम करता है। अब जैसे गाड़ी में मान लो 360 लगा दिया, फ्रंट बैक का रिकॉर्डिंग करेगा करेगा? यही मेरा सवाल था। तो मतलब अगर हम 360 लगवा लेते हैं तो हमारा डैश कैम का पैसा बचने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बचने वाला है। ठीक है जी, तो ये कितने जीबी वाला डाला है आपने? 4 GB रैम, 32 इंटरनल, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, वायरलेस रहने वाला है इसके अंदर। स्टार्टिंग प्राइस आपको 6000 से मिल जाएगा। 6000 रुपए से स्टार्ट कर दोगे? बिल्कुल। ये रहा भाई ZLink, इससे आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। अगर किसी भाई का इसका ओरिजिन चाहिए कैरियन का, वो भी ओरिजिन अपने पास अवेलेबल है जो कंपनी से आता है। बिल्कुल। वो कितने का लगा दोगे? 35000 रुपए का। 35 का कितने इंची वाला? 9 इंची, जो खड़ी हुई स्क्रीन रहती है। बिल्कुल, जैसे टॉप मॉडल वाला, जैसे टॉप मॉडल वाली रहती है वाली सेम स्क्रीन 35 की मिल जाएगी। तो इसके अंदर फ्रंट यूएसबी भी लगाया हमने ओरिजिनल। ठीक है, तो फिर यूएसबी भी ओरिजिनल लगाया। ये कैसे, मतलब ये ओरिजिनल जो कंपनी से आती है सेम वर्किंग रहेगी? सेम सेम सेम। बैक भी दिखा देता हूँ भाई, ये देखो बैक में वायर भी लग रखी है, ये आपको नजर आ रही होगी। ये दोनों लगाई है, एक लगाई है? दोनों लगी है, टाइप सी यूएसबी, दोनों टाइप सी दोनों लगी है। जो टॉप में आता है वही चीज है, हमने लोकल कोई चीज नहीं, मार्केट में 500-600 का लोकल लगा देता है। अच्छा, वही चीज आपको ओरिजिनल देंगे ना? आप पक्का काम करके दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, डुप्लीकेट काम की कोई नहीं है गुंजाइश। डुप्लीकेट रखता ही नहीं हम, ना रखते हैं। गियर नॉब बूट लाइट फ्री रहने वाला, जो भी भाई बेस्ट टू टॉप कराएंगे उनके लिए। आज गियर नॉब खुल गई, उस दिन खुल नहीं रही थी। हर गाड़ी का नहीं खुलता, इसमें खुल गया तो लगा दिया हमने। ठीक है जी, इसके अंदर भी ये गियर नॉब खोल दिया, इसके लिए लगा दिया, कर दिया हाइड्रो डिपिंग अपने के साथ। चेक करो, हाइड्रो डिपिंग हो गई है। और अगर किसी को ये सब कराना हो तो ये सब भी हाइड्रो डिपिंग हो जाती है, ये भी हो जाती है, ये भी हो जाती है, मीटर भी हो जाता है, सारा हो जाता है, मीटर भी हो जाता है। मीटर तो इसके अंदर वैसे भी अच्छा वाला ही आता है। बिल्कुल, क्रूज कंट्रोल चालू कर देंगे तो बेस तो रहा ही ना, फिर तो बेस से टॉप वाली कोई बातचीत नहीं। ग्लास होल्डर भी लग जाएगा जो पिछले वीडियो में दिखाया था। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, व्हाइट वाला कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाइट बल्ब कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो संचित भाई ऐसा बढ़िया वाला धांसू वाला काम कराने में कहाँ पे आना पड़ेगा? न्यू स्पेस रामा रोड, कीर्ति नगर। गूगल मैप की लोकेशन नीचे छोड़ दें डिस्क्रिप्शन में, छोड़ देंगे, और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। एक बार चलते हैं, एक बार इसकी बूट लाइट दिखाते हैं, और एक बार गाड़ी के जो भैया उनका फीडबैक ले लेते हैं। ये भाई इसकी मैं खोलूंगा टेल गेट, खोलो। ये खुल गया जी टेल गेट, ये बूट लाइट भी फ्री रहने वाला है, ये बूट लाइट, और बूट लाइट में भी बल्ब आपको व्हाइट मिलने वाला है, और बटन से भी चलेगी और ऑन ऑफ भी चलेगी ना जी। और ये कैसा पुराना सामान है, ये 360 जो हमने ब्रांड का लगाया है। ये देखो भाई ब्लॉक पर जाली बेसिक जो आता है वो जो खाली है वो हटा दी, और देखो ये सामान जो निकला है सारा सामान कस्टमर को वापस जाएगा, हमने टॉप बना दिया, सारा सामान कस्टमर को वापस जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से कुछ भाई का ना, मैं अभी कल परसों कमेंट देख रहा था, आप लोग कह रहे थे प्लीज भाई डिटेल वीडियो बनाओ। तो संचित भाई एक दिन एक काम करते हैं, डिटेल वीडियो बनाते हैं, जो जो सामान की नहीं, जो जो गाड़ी में काम हो रहा होगा, आपके लड़के कैसे काम करते हैं, आप लोग कैसे काम करते हो, हम वीडियो में दिखाएंगे एक दिन, है ना? तो वो चीज मैं आपको वीडियो में चेकआउट करा दूंगा। अभी भैया को बुला लो, भैया का फीडबैक ले लेते हैं। तो भाई देखो गाड़ी के ओनर आ गए हैं भैया। तो भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा दीपांश सैनी। दीपांश सैनी, तो भाई आप राजस्थान से आए हो? तो भाई आपको कैसे रेफरेंस मिला इनका, संचित भाई का? भाई रेफरेंस अच्छा मिला है, भाई से बात हुई थी, बहुत अच्छी बात, उसके बाद भाई से बात हुई। ठीक है जी, 6 घंटे के अंदर भाई ने काम कर लिया, 6 घंटे में, और वो भी क्वालिटी के साथ, क्वालिटी के साथ काम कर लिया। अच्छा, इंटीरियर जो कैसा होगा, इंटीरियर का एक नंबर काम लगा भाई। और कई जगह तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं गए नहीं, सही बताऊं तो। अच्छा, पहली गाड़ी है और पहली बार भाई के पास आया हूं, बस ये बात है। और ओवरऑल मतलब काम वाम से? मैंने भाई मेरा यही था कि बस गाड़ी बेस मॉडल है, उसको टॉप करवाना है, टॉप करवाना है, जो कंपनी में टॉप आ रही है वो। ठीक है, मतलब कि E2B करवाना है। समझ गए, वही मैंने इंटीरियर दिया है, वो सेम टॉप मॉडल आता है, वही सेम कर रहा है। साउंड भी भाई ने तगड़ा लगाया, अच्छे क्वालिटी का साउंड लगवा लिया, तो नहीं है इसका। और कोई भी फालतू का काम नहीं कराया आपने? नहीं करा, जो बेस्ट टॉप मॉडल होता है कंपनी का होता है, जेन्युइन होती है, जेन्युइन नहीं पसंद है। ठीक है, मतलब आपकी गाड़ी में जैसे सामान लगा, संचित भाई भी वीडियो में कह रहे थे कि हम ओरिजिनल सामान लगाते हैं, ओरिजिनल सामान लगाते हैं, तो ओरिजिनल लगाते हैं, ये ओरिजिनल लगाते हैं। और कई चीजों पे कहते हैं हम डिस्काउंट। हाँ जी, बता के देते जो भी चीज होती है, जैसे इन्होंने बताया क्रेटा का ओरन है, हाँ जी, 1000 रुपए का आपको ऐसा है, 3rd दिन का इसका ओरिजिनल है, हाँ, क्वालिटी सेम बताई, गारंटी वारंटी, तो हमने वो लगवा लिया। सही बात है। और दूसरी चीज जैसे बोलते हैं 50% डिस्काउंट देने उन पे, ओके रिपोर्टर डिस्काउंट के मामले में बिल्कुल मिला भैया, डिस्काउंट मिल जाता है, बढ़िया मिल जाता है। तो मतलब क्वालिटी चाहिए तो पैसे लगेंगे। ये तो है, देखो ये बात तो है, ये बात अगर आप तो हर जगह होता है, लेकिन ऐसी क्वालिटी अब करवाने को राजस्थान भी करा सकते थे, अब वहां से भाई इतनी दूर आए, तो ओवरऑल काम से भाई सेटिस्फाई हो, क्वालिटी की वजह से आया हुआ, क्वालिटी वर्क मिला है आपको, अच्छा काम मिला। ठीक है, तो मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हो काम कराने आए तो रिकमेंड करोगे? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अगर अच्छा काम कराना तो आना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा काम कराना तो आना चाहिए। और जैसे बोलते हैं टॉप मॉडल जैसा काम कर रहे हो, वही चीज इन्होंने करी है, जैसे आपकी यूएसबी वगैरह सब कुछ, मैं कंफ्यूज था इस टीम में, जैसे भाई 360 काम करेगा नहीं करेगा, हां अब पता लग रहा है कि बिल्कुल काम कर रहा है, टॉप वाले काम।
और क्वालिटी भी अच्छी आ रही है ना, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया लग रही है मेरे को तो, मजा आ रहा है। ठीक है, मतलब भैया 100% सेटिस्फाई है। तो भाई आप लोग भी काम कराने आ सकते हो संचित भाई के पास। तो संचित भाई लोकेशन बता दो कहाँ पे आना है। सीधा आना रामा रोड न्यू स्पेस A70 कीर्ति नगर। और हाई राइडर ही नहीं ग्रैंड विटारा भी बनाते हैं, ग्रैंड विटारा में अच्छा ऑफर लेके आएंगे। ठीक है, चलो फिर ग्रैंड विटारा भी दिखाता हूँ आपको किसी और वीडियो में, उसमें भी क्रूज चल गया है ना, उसमें भी क्रूज चला है। जो लोग सिर्फ बोला था भैया, बोला मेरे को जो तुम्हें नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ भैया के लिए यूज लेते तो सही बात है, जो चीज काम की नहीं है और जबरदस्ती फोर्थ भी नहीं करी ना आपने। चलो जी, पूछे आप कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ भाई वीडियो था, आपको मैंने हाई राइडर दिखाई कम्प्लीटली विद प्राइस वीडियो, सब कुछ बताया, जो कुछ जैसा वैसे आप वीडियो देख के एज इट इज आ जाओ इनके पास, एज इट इज काम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।